हो सबके सब यहां है। हम भी आ गए। आने के बाद हमें तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे। यहां हर कोई है, लेकिन राजवीर की मासी नहीं दिखाई दे रही। वैसे हमें अपना राज तो यहां दिखाई दे रहा है, अपनी जीत तो साफ साफ दिख रही है। कमान आराम से। तुम जाके जरा राजवीर की मासी को ढूंढो तो, कहां है, लेकर आओ उनको। उनके लाओ मतलब? अगर उन्हें हाथ भी लगाए ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। अंशुमन पांडे तो दामाद जी को गोली से उड़ा दूं। नहीं, गोली मत चलाना। नहीं, लगता है कि दामाद जी से हर कोई प्यार करता है ना। एक्चुअली दामाद जो होता है ना, वो दूज का चांद होता है, और अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी हीरोपंती दिखाई तो इस दूज के चांद पे ना मैं ग्रहण लगा दूंगा। प्लीज ऐसा कुछ मत करना, वरुण को छोड़ दो। प्रीतम मैं वो कह रही। चुप। अब एक शब्द और बोलने की जरूरत नहीं है तो इसलिए शांत। ए, ये कैसे बात करो इनसे? पता है कितनी बड़ी है तुमसे, तुम्हारी माँ की उम्र की। तुम्हारी माँ से कोई इतनी बदतमीजी से बात करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इतने बुरे हो कि अब तो मैं तुम्हें ये भी नहीं कहूंगी कि कर्म अच्छे करो। तुम भाड़ में जाओ, जैसे कर्म करने वैसे करो, क्योंकि फल तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन इनसे तमीज से बात करो। अगर मैंने तमीज से बात नहीं करी तो क्या फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी अकल से बाहर है। तभी मैंने बोला था ना कि मेरी सोच अलग है, मैं बंदा अलग हूं, पर तुम लोग ने नहीं मारा। आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम कर लिए, पर आपको क्या लगता है कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है लूथरास को बचाने के लिए। लेकिन यही अगर अंशुमन पांडे की तरफ से सोचो तो उसको तो आपने धोखा दिया ना। तो अंशुमन पांडे ने हमारे साथ जो किया वो धोखा नहीं था तो और क्या था? बोलो, ये पेपर्स के ड्रामे के पहले अंशुमन पांडे ने पहले हमें धोखा दिया, मेरे दोनों बच्चों को, शौर्य को, राजवीर को जेल पहुंचा दिया। बताओ, वो धोखा नहीं था तो और क्या था?